नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर्जी के में। जी हां दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई क्लास जो कि NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 9 है, जिसका नाम है, यानी कि जिस चैप्टर का नाम है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर व्यापारी राजा और तीर्थयात्री का क्या संबंध था इतिहास में और ये किस प्रकार से कार्य किया करते थे। यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी आप पर्टिकुलर स्थान पर जा रहे हैं तो उसके बारे में, यदि व्यापार के बारे में जानना है कि प्राचीन समय में उस स्थान पर कहाँ से व्यापार होता था, कहाँ से वस्तुएं आती थीं या फिर यहाँ की वस्तुएं कहाँ भेजी जाती थीं, तो इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसका जो पहला हेडिंग है वह यही है कि व्यापार और व्यापार के बारे में जानकारी। नीचे आप देखेंगे कि मैंने लिखा है कि उपलब्ध वस्तुएं तथा सिक्के। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक स्थान के इतिहास के बारे में किसी विशेष पुस्तक में, यानी कि उस समय के पुस्तक में हमें जानकारी मिल ही जाए कि फला राज्य से फला राज्य का व्यापार चलता था या फिर कौन कौन सी वस्तुएँ मंगाई जाती थी, कौन कौन सी वस्तुएँ भेजी जाती थी। लेकिन जब हम शोध करते हैं, जब हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं ऐसे स्थानों पर जाके, तो इसका जो मूल स्रोत होता है किसी भी स्थान पे ये जानने का कि इस पर्टिकुलर स्थान पे कहाँ से सामानें मंगाई जाती थी, यानी कि किस राज्य से यहाँ पे व्यापार चलता था, तो सबसे आसान जो तरीका होता है या फिर सबसे आसान जो स्रोत हमें प्राप्त होता है ये जानने का कि कहाँ से व्यापार चलता था, तो उसमें वहाँ उपलब्ध वस्तुओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि चीज़ें कहाँ से आती थी। अब मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्थान पर जा रहे हैं, किसी भी स्थान पर आप मान लीजिए आप दक्षिण भारत में ही जा रहे हैं, वहाँ पे आप किसी वस्तु को आप पाएँ कि हाँ भाई ये कोई पुरातात्विक स्रोत है या फिर कोई पुरातात्विक वस्तु है, बहुत पुरानी वस्तु आपको मिल रही है। लेकिन जब आप उस वस्तु को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि इस वस्तु में जो कच्चे माल का इस्तेमाल किया गया है या फिर इस प्रकार का कारखाना आपको आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा कोई वस्तु आपको मिल रहा है जिससे बना पाना वहाँ पे नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, ना ही उसके कारीगर वहाँ पे कभी इतिहास में मिल पाए हैं आपको, ना ही कोई कारखाना मिला है, तो आपको लगेगा कि यह वाकई वस्तु जो है वह कहीं बाहर से मंगाया गया है। और फिर आप और अगर थोड़ा सा खोजबीन करेंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यह पर्टिकुलर वस्तु जो है या कोई भी वस्तु जो वहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है ये किस विशेष स्थान का है। और साथ में ही आपको कुछ सिक्के मिल सकते हैं उस स्थान के, यानी कि जैसे कि आप दक्षिण भारत के बारे में यदि आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में तमाम प्रकार के सिक्के मिले हैं, जिसमें से रोमन साम्राज्य के सिक्के बहुत अधिक वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में रोम से व्यापार बहुत प्राचीन समय से ही होते चला आ रहा था। यानी कि किसी पर्टिकुलर, अब मान लीजिए कोई सिक्का मिल रहा है तो सिक्का का मतलब जो सिक्के होते हैं उनकी अपनी एक विशेष अवस्था होती है, एक विशेष गुण होता है हर सिक्के की, और प्रत्येक राजा या फिर प्रत्येक राज्य जो सिक्के ढालते हैं उनकी एक अपनी एक विशेष पहचान होती है, उसकी बनावट हो गई या फिर उसके ऊपर उभरे हुए चित्र हो गए या फिर उस पर लिखे हुए कोई अंक या फिर कोई अक्षर जो लिखे हुए रहते हैं, इन तमाम पहलुओं से या फिर इन तमाम चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि कोई सिक्का कहाँ का है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस फला राज्य से इस फला राज्य का व्यापार होता रहा था। जैसे कि दक्षिण भारत के बारे में यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में बहुत अधिक मात्रा में सोना हो गया या फिर कीमती पत्थर हो गए या फिर मसाले हो गए, इसका व्यापार होता था। ये सभी चीज़ें भारत से, यानी कि दक्षिण भारत से समुद्री मार्गों के माध्यम से आप रोम या फिर अन्य स्थानों पर भेजते थे, इसका काफ़ी अधिक यहाँ पे हमें स्रोत प्राप्त होता है। खासकर रोमन साम्राज्य से दक्षिण भारत में होने वाले व्यापार के बारे में यदि बात किया जाए तो काफ़ी फेमस था, क्योंकि रोमन साम्राज्य के बहुत सारे सिक्के हमें अलग अलग स्थानों पे वहाँ पे मिले हैं, और साथ में रोमन सभ्यता में या फिर रोमन साम्राज्य में बनाए जाने वाली जो पदार्थ थे, कुछ विशेष वस्तुएँ जो थी, वो भी हमें दक्षिण भारत से देखने को मिलती हैं। यदि हम काली मिर्च की बात करें, दक्षिण भारत के काली मिर्च की, तो वह बहुत ही प्राचीन समय से फेमस है। अब जब आप बात करेंगे अंग्रेज़ों के समय की बात करेंगे, जो बहुत बाद में आता है, इतिहास बहुत बाद का है, वो मान लीजिए वह आधुनिक इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे तो भी रोमन साम्राज्य से यहाँ से जो काली मिर्च थी उसका व्यापार होता था, और काली मिर्च का रोमन साम्राज्य में अपना अलग ही एक प्रकार का क्रेज़ था। रोमन साम्राज्य में उसे काले सोने के रूप में देखा जाता था, वो इतना अधिक कीमती और इतना अधिक मूल्यवान था यहाँ का जो काली मिर्च का जो वो था।
तो इसके बारे में हम ये जान रहे थे कि अगर आपको इतिहास जानना है पर्टिकुलर स्थान पे कहाँ से व्यापार होता था, तो आप वहाँ पे उपलब्ध वस्तुओं को देखकर, वहाँ के सिक्कों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये फला जो वस्तु है वह किसी विशेष स्थान से ही मंगाया गया है, क्योंकि वह वस्तु वहाँ पर्टिकुलर स्थान पर जहाँ वह वस्तु मिला है वहाँ पर बनाया जाना संभव नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं इतिहास को, कि हम कैसे जान सकते हैं कि कहाँ किस स्थान पे किस विशेष स्थान से या किस विशेष राज्य से व्यापार होता था। अब हम बात करते हैं कि समुद्र तटों से लगे राज्यों की, यदि हम भारत के बारे में बात करें, जो कि हमारा जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, और व्यापार के लिए दक्षिण भारत हमारा जो है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत पहले से ही दक्षिण भारत से समुद्रों के माध्यम से, बड़ी बड़ी नावों के माध्यम से व्यापार होते आता है रहा है। अब कुछ पर्टिकुलर रास्ते इन्होंने नहीं खोज पाए थे। सामान्य तौर पे जो व्यापारी होते थे वो जो आप समझ सकते हैं कि वो समुद्रों के किनारे से होकर जाते थे, विभिन्न बंदरगाहों से होते होते जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो समुद्र के बीच रास्ते में पहुंच जाएं और फिर किसी पर्टिकुलर स्थान पे, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं था। तो मार्गों का खोज, नए नए मार्गों का खोज तो हो रहा था, लेकिन जो आप मार्गों का खोज देखते हैं जब आप 15वीं शताब्दी में आते हैं, जब आप अंग्रेज़ों के समय में आते हैं और आप देखते हैं कि किस प्रकार से नए मार्गों की खोज हुई थी, जो यूरोप के लोग आते हैं, जो विभिन्न नाविक आते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्थान की खोज करते हैं, कोई भारत की खोज कर रहा होता है, कोई अमेरिका की खोज कर रहा होता है, तो एक नए रास्ते का वो खोज कर रहे थे। लेकिन इस समय जो समुद्री मार्ग था वो बहुत ही ऐसा था कि बहुत लंबी यात्रा इन्हें करनी पड़ती थी, क्योंकि यह विभिन्न बंदरगाहों से होकर जाते थे और समुद्र के किनारे ही चलते थे, क्योंकि ऐसा कोई खास उपकरण इनके पास मौजूद नहीं था और कोई ऐसा यंत्र भी मौजूद नहीं था जिससे कि ये शॉर्टकट माध्यम से कहीं पे पहुंच सकते थे। तो व्यापार दक्षिण भारत में बहुत अधिक होता था, और मुख्य रूप से यदि हम बात करें प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, तो दक्षिण भारत में जो तीन राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य, ये काफ़ी फेमस थे। इसके बारे में आपको जो विस्तृत जानकारी मिलेगी वो वहाँ का जो संगम कविताएं हैं, जो कि दक्षिण भारत का अपना एक कविता संग्रह है जहाँ पे बहुत सारे कवि मौजूद रहते हैं और आपस में मिलकर वह कविताएं किया करते थे, और उन कविताओं में बहुत सारे राज्यों का जिक्र मिलता है, जिसमें से जो सबसे प्रसिद्ध जो उनका राज्य था वे उसके नाम को वे मुवेंदार कहते हैं, और मुवेंदार जो है वह एक मुख्य रूप से तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। यदि आप देखेंगे तो प्राचीन समय में दक्षिण भारत में तीन मुखिया काफ़ी फेमस थे, तीन राज्य ऐसे थे जो दक्षिण भारत के साम्राज्य को चलाते थे, जिसका नाम यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, चोल, चेर तथा पांड्य। यह लोग जो थे ये तीन मुखियाओं के नाम से जाने जाते थे, जिसे हम तमिल में या फिर वहाँ पे जो तमिल का जो अपना एक कल्चर था, प्राचीन इतिहास जानने का जो सबसे बढ़िया स्रोत है वहाँ का, जो कि संगम कविताएँ हैं, वहाँ पर इनका जो नाम है वो मुवेंदार लिखा गया है, जिसका मतलब होता है तीन मुखिया। ये जो राज्य थे ये काफ़ी फेमस थे उस समय के, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूँकि दक्षिण भारत में विभिन्न स्थानों से व्यापार भी होता था, तो इसलिए जो राज्य थे वो काफ़ी धीरे धीरे धनी भी हो गए थे, यानी कि इनका काफ़ी अधिक ग्रोथ हुआ था। एक खास बात आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि यह जो राज्य थे वह टैक्स लेने में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि यह कोई टैक्स वसूल नहीं करते थे, यह मुख्य रूप से उपहार लेने में विश्वास रखते थे। उपहार लेने में विश्वास इसलिए रखते थे क्योंकि पहले जो व्यापार चलता था तो विदेशों से, रोमन साम्राज्य से आप लोग समझते हैं कि बहुत कीमती चीज़ें वहाँ से आती थी, यहाँ से भी बाहर से भी वहाँ पे चीज़ें जाती थी, या फिर अन्य स्थानों से भी, मध्य एशिया से भी व्यापार चलते रहते थे यहाँ के, तो वहाँ से जो कीमती चीज़ें आती थी तो राजा उनका संग्रह करते थे, और ये प्रयास करते थे कि हम कोई टैक्स रुपए के रूप में या टैक्स के रूप में किसी चीज़ को इकट्ठा न करके हम उपहार लें, ताकि कीमती चीज़ें हमारे पास मौजूद हो सकें। और इस प्रकार से ये जो तीनों राज्य थे अपना खर्चा बर्चा चलाए करते थे और कीमती चीज़ों को लेकर ये काफ़ी फेमस हो गए थे। आप एक खास बात और देखेंगे कि ये जो तीनों राज्य थे, चोल हुआ, चेर हुआ तथा पांड्य हुआ, इनके दो दो मुख्य केंद्र थे। एक तो जमीनी स्तर पे जो जमीन के बीचों बीच जो इनका केंद्र था, एक वो तो था ही जहाँ से वो अपने राज्य का नियंत्रण करते थे, लेकिन इनका एक और केंद्र होता था जो कि इनके समुद्री इलाकों के बीच में होता था, यानी कि समुद्री इलाकों के तट पे यह उसे रखते थे ताकि व्यापार को यह कंट्रोल कर सकते थे, और वहाँ से कोई भी चीज़ जो उपलब्ध होती थी वह आसानी से वो उन्हें प्राप्त कर सकते थे। तो इन
तीनों राज्यों के अपने अलग अलग दो दो केंद्र थे, एक तो जमीन पे यानी कि जो मध्य भूमि होती थी वहाँ पे होती थी, और जो दूसरी बात करें तो जो समुद्र के किनारे होता था वहाँ पे भी इनका केंद्र मुख्य केंद्र हुआ करता था। इसके साथ ही ये जो राज्य थे वो कई बार सैनिक अभियान पे भी निकलते थे, सैनिकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे और वहाँ से बहुत सारी कीमती चीज़ें लेकर आते थे, जैसे युद्ध होता था या फिर इस तरह की झड़प होती थी और वहाँ से ये लोग सामान इकट्ठा करके ले आते थे और कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, कुछ अपने रिश्तेदारों को, कुछ फॉलोअर्स को, कुछ सैनिकों को ये अपने बांट देते थे, कुछ मित्रों को बांट देते थे। तो इस तरह से इनका ये रूपरेखा था, इस तरह से इनका यह काम चला करता था। एक इस समय ही रेशम मार्ग की जो कहानी थी वह काफ़ी फेमस है। रेशम मार्ग अपने आप में एक बहुत ही पुराना मार्ग है और इसका जो इतिहास है वह मुख्य रूप से चीन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज भी आप देखते होंगे टेलीविज़न के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया या फिर जो भी चैनल्स हैं या फिर अखबार हैं उसमें आप हमेशा सिल्क रूट के बारे में जिक्र आपको देखने को मिलता होगा कि किस प्रकार चीन अभी भी सिल्क रूट को और अधिक मजबूत बना रहा है, उसे और बेहतर करने में लगा हुआ है। लेकिन सिल्क रूट का अपना एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। अब जो आप जानते हैं सिल्क यानी कि जो आप रेशम जानते हैं ये उसी से जुड़ा हुआ है। रेशम की जो खोज हुई थी, रेशम का जो आविष्कार हुआ था वह चीन में आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 7000 साल पहले ही जो चीनी थे वह जान चुके थे कि रेशम कैसे बनाया जाता है, उसके कपड़े का कैसे निर्माण किया जाता है। और रेशम का जो डिमांड था या फिर जो मांग था ये कभी कम ही नहीं हुआ। यह आप समझ सकते हैं कि जब ये चलता था या फिर पूरे विश्व में जब ये इसका व्यापार किया जाता था या उपहार के रूप में दिया जाता था चीन के माध्यम से, उस समय भी ये काफ़ी प्रीसियस कपड़े के रूप में जाना जाता था। सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्राचीन समय में भी जो गरीब लोग जनता थी वह इसका सेवन ही नहीं कर पाती, मतलब वो इसे पहन ही नहीं सकती थी, वह इस समय इतना कीमती था। सामान्य तौर पे जो राजघराने होते थे, वहाँ के जो राजा रानियाँ होते थे या फिर बड़े बड़े व्यापारी या फिर बड़े बड़े जो सेठ महाजन होते थे, केवल वही रेशमी कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। इसका अपना ही एक अलग स्तर का फैशन चलता था और यह अभी भी बरकरार है। अब जो चीनी हैं आप जानते ही हैं कि इस समय यदि आप इनके पॉलिसी को देखेंगे तो चीन का एक पॉलिसी है कि वह हर चीज़ को छुपा कर रखना चाहते हैं, वह किसी भी चीज़ को बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन यह पॉलिसी आज की नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन पॉलिसी है। जैसा कि मैंने बताया कि चीन में रेशम कपड़े का जो निर्माण था वो लगभग 7000 साल पहले से ही होते चला आ रहा था, लेकिन हजारों साल तक चीनियों ने रेशम बनाने की जो कला थी वह दुनिया से छुपा कर रखा था। लेकिन चीन के जो जो मुख्य व्यापारी हुआ करते थे वो विभिन्न संसाधनों से, चाहे घोड़े पे हो गया या फिर ऊँट पे हो गया, वह पैदल भी एक रूट के माध्यम से वह सिल्क के कपड़ों को लेकर रोमन साम्राज्य हो गया, फिर जो मध्य एशिया हो गया वहाँ पे जाते थे और उन्हें वह बेचने का कार्य करते थे। या फिर सामान्य तौर पे जो चीन के राजा होते थे वो भी अपने दोस्तों को, चाहे वह यहाँ भारत के कोई ऐसे राजा हो गए या फिर रोम के कोई राजा हो गए या फिर किसी भी स्थान के जो राजा हो गए, उनसे कूटनीतिक या फिर राजनीतिक दोस्ती बढ़ाए रखने के लिए यह कपड़े उन्हें भेंट किया करते थे। अब चूँकि जो रेशम मार्ग की जो ये चीन से जो रास्ता निकलता था वो मध्य एशिया से होते हुए गुजरता था और इसके बहुत सारी अपनी अपनी शाखाएं थीं, ये नहीं था कि मतलब केवल एक ही मुख्य मार्ग है। यदि आप मैप में से आप कभी देखेंगे तो रेशम मार्ग बहुत सारे शाखाओं में बटी हुई थी जो अलग अलग हिस्सों में जाती थी, तो व्यापारी जो थे वो इसी मार्ग का प्रयोग बहुत पहले से करते आ रहे थे, इसीलिए आज भी इसे हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी मतलब आसान रास्ता नहीं था, इन्हें हर जगह टैक्स देने की आवश्यकता पड़ती थी क्योंकि इन्हें बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरना पड़ता था और विभिन्न राज्यों में जो परिस्थितियाँ थीं, जो भी भौगोलिक स्थिति थी वो भी काफ़ी कठिन थी। कहीं ऊंची पहाड़ियाँ होती थीं तो कहीं रेगिस्तान होता था, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता था, तो इन्हें बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही परेशानी से किसी स्थान पर पहुँच पाते थे। और सामान्य तौर पर इन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ता था कि बीच बीच में मार्ग में विभिन्न राज्यों में इन्हें भयंकर जो लुटेरे होते थे वो भी मिलते थे, कुछ डाकू के समूह मिलते थे जो इन्हें लूट लिया करते थे, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य करते थे वहाँ के जो मुखिया होते थे, वो विभिन्न स्थान के जो अलग अलग जो नेता या फिर मुखिया फिर राजा हुआ करते थे वह इन्हें सुरक्षित करते थे, उन डाकुओं से बचाने का कार्य करते थे। अब उनके बदले, उस चीज़ के बदले वह अपने राज्य से होकर इन्हें गुजरने देते थे, वो रेशम मार्ग से होकर गुजरने देते थे, तो इसके लिए
वो भारी मात्रा में टैक्स भी लिया करते थे, और इसलिए ये जो कपड़े का जो कहा जा सकता था कि जो प्राइस था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता था जब वो उस राज्य में जाता था। लेकिन ये कपड़ा इतना मुलायम, इतना चमकीला, इतना हल्का होता था कि इस ये धीरे धीरे पूरे विश्व में बहुत अधिक फैल गया। एक तो ऐसा समय आ गया कि जब रोमन साम्राज्य में इसका बहुत अधिक डिमांड बढ़ गया था, और जो रेशमी कपड़े पहनते थे वो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब मानते थे, बहुत बड़ा धन्ना सेठ मानते थे, और वाकई ये केवल वही ऑफर्ड कर पाते जो काफ़ी बहुत धनी होते थे, वही केवल इसे खरीद पाते थे। यदि हम कुषाणों के बारे में बात करें तो कुषाण का जो राज्य था वो भी रेशम मार्ग में ही पड़ता था, इसका बहुत बड़ा हिस्सा रेशम मार्ग से होकर गुजरता था। और कुषाण, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से लेकर मध्य एशिया तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। बहुत स्थानों पर रेशम मार्ग या फिर उससे संबंधित जो शाखाएँ थीं वो प्रसारित होती थीं। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि रेशम मार्ग एक जो भारत में कट कर आता है, दक्षिण की तरफ आता है, और दक्षिण की तरफ आते हुए भारत में जो सिंध नदी है वहाँ पर आकर उसके सिंध नदी के मुहाने पर आकर समाप्त होता है। फिर वहाँ से कपड़े लाद कर नाव के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर व्यापार किया करते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो कुषाण थे वो भी काफ़ी उन्हें प्रॉफिट होता था रेशम मार्ग के माध्यम से। तो ये था रेशम मार्ग का अपनी एक कहानी। और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि चीन अभी भी चीज़ों को छुपा कर रखता है, तो उस समय भी इस चीज़ों को छुपा के रखता है। जैसे कि आपको पता है कि रेशम किस प्रकार से एक विशेष कीड़े के लार्वे से बनाया जाता है, उसमें बहुत अधिक जटिल प्रक्रिया है, और इस चीज़ को जानने में दुनिया को काफ़ी समय लग गया। और कैसे वह शहतूत के पेड़ पे वह रेशम के कीट पाले जाते हैं, उसके बाद वह रेशम के कीट के माध्यम से किस प्रकार से कच्चा माल तैयार होता है, उस कच्चे माल से तागा बनाया जाता है, फिर उसे कपड़े का निर्माण किया जाता है, यह सभी चीज़ें चीन ने बहुत दिनों तक छुपा कर रखा। तो ये इस तरह प्रकार के रेशम मार्ग की कहानी है, और यह रेशम मार्ग आज भी काफ़ी फेमस है, जो कि सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। इसका एक अपना एक अलग इतिहास रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस समय बौद्ध धर्म का प्रचार भी काफ़ी बढ़ गया था, प्रचार प्रसार भी बढ़ गया था। यह समय जो है वह बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो कि गौतम बुद्ध थे, उनके मृत्यु के बाद का है। उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म का थोड़ा सा प्रचार प्रसार जब कम हुआ, तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार फिर से एक बार अपने चरम स्तर पर पहुँच गया। जिसके बहुत सारे कारण ऐसे थे कि जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो पाया, जिसके बारे में जैसे कि मैंने बात किया, जो कि कनिष्क था, जो कि कुषाण साम्राज्य का ही एक शासक था। लगभग 1900 साल पहले इसका शासन काल स्थापित हुआ था, और यह खुद बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसिद्ध अनुयायी था, काफ़ी बड़ा अनुयायी था, और इसने बौद्ध परिषद का भी निर्माण कराया था। बौद्ध परिषद में विभिन्न प्रकार के जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो विद्वान होते थे वो बैठकर आपस में बहस करते थे, डिस्कशन करते थे, विभिन्न विचारों को यह आदान प्रदान करते थे आपस में, और उस पर बहस किया करते थे, जिससे कि बौद्ध धर्म का धीरे धीरे प्रचार होना प्रारंभ हुआ। इस समय के तत्कालीन लेखकों ने भी काफ़ी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस समय मुख्य रूप से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो ये बुद्ध से संबंधित जितने भी ग्रंथियां थी वो मुख्य रूप से पाली या फिर प्रकृत भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन इस समय कनिष्क के समय में यह सभी संस्कृत भाषा में लिखी जाने लगी। और इस समय के जो प्रमुख लेखक थे, जो अशोकघोष जिसका नाम था, उन्होंने बुद्ध चरित्र का निर्माण किया, जिसमें मुख्य रूप से बुद्ध के चरित्र या फिर उनके जीवनी से संबंधित तथ्यों को वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वो भी एक संस्कृत का ही लेख था। वो जो ये अशोकघोष थे वो भी कनिष्क के दरबारी कवि थे, यानी कि वो दरबारी लेखक थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिन्हें संरक्षण प्राप्त था, और ये बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी विस्तृत से लिखते हैं। और ये इनका जो बुद्ध चरितम है, इनका जो पुस्तक है, उससे हम काफ़ी अधिक बुद्ध धर्म के या फिर गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जो संस्कृत ग्रंथों का निर्माण करने लगे हैं इस समय, और जिससे हमें बुद्ध के जीवन या फिर उनके चरित्र के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में या फिर उनके धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलना प्रारंभ हो गया। इसी समय महायान धारा का भी उदय हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा बौद्ध धर्म है वह हीनयान और महायान में बाद में बढ़ गया था, तो महायान का भी इस समय एक नया स्वरूप निकल के आया है उस बौद्ध धर्म का। और सबसे खास बात यह था कि अभी तक जो बौद्ध धर्म के लोग थे या फिर बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो मुख्य तौर पर
कुछ चिन्हों का पूजा किया करते थे, उनका अनुसरण किया करते थे, या फिर बुद्ध भगवान के जो जीवन दर्शन थे उनका अनुसरण किया करते थे। लेकिन महायान धारा उपस्थित होने के बाद आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण यहाँ पे शुरू हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब विचारों और सिद्धांतों की पूजा या फिर उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लेने से बेहतर लोगों ने समझा कि अब उनका पूजा किया जाए, इसलिए मूर्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया इस समय। और इस समय जब मूर्तियों का निर्माण हुआ बुद्ध भगवान के, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि और भी अधिक जो बौद्ध धर्म से अनुयायी थे वह और अधिक जुड़ते चले गए बौद्ध धर्म से। पहले सामान्य तौर पे बुद्ध भगवान के मूर्ति का पूजा नहीं होता था, और सामान्य तौर पे जो बौद्ध धर्म है या फिर बुद्ध धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं ये जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वह स्वयं भी मूर्ति पूजा के विरोधक थे, यानी कि वह विरोध करते थे कि मूर्ति पूजा न किया जाए। इसलिए भी इनके जो अनुयायी थे उस प्रारंभिक अवस्था में ये मूर्ति पूजा से बचते रहे, लेकिन बाद में कुछ परिवर्तन आए। जैसे कि भक्ति की शुरुआत जिस प्रकार से भारत में हो रही थी, जब चूँकि एक ये जो गौतम बुद्ध का अपना एक जो धर्म था वह वैदिक रीतियों के विरोध में ही आया था, कि विभिन्न प्रकार के जो रिचुअल्स थे, विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ थे वो काफ़ी कठिन हो गए थे लोगों के लिए, और बहुत सारे ऐसे कर्मकांड होते थे जो काफ़ी कठिन और काफ़ी खर्चीले होते थे। सभी चीज़ों से बचने के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ था कि आप एक सच्चा जीवन यापन करके, सही जीवन यापन करके, अधर्म से बचकर या फिर अहिंसा के मार्ग पर चलकर आप किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का जो निर्माण हो रहा था, तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो हिंदू धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म आप मुख्य रूप से मान सकते हैं, उसमें भी इस समय परिवर्तन आ रहा था। उसमें भी अब मूर्ति पूजा का एक प्रकार से प्रचलन चल रहा था, और उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी इस समय मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। यानी कि अब गौतम बुद्ध की मूर्तियों का पूजा करना लोगों ने प्रारंभ कर दिया था, नहीं तो उसके पहले कुछ प्रतीक चिन्ह थे उन्हीं चीज़ों का पूजा किया जाता था बौद्ध धर्म में। उन्हीं चीज़ों के सामने लोग जाकर अपनी बातें रखते थे या फिर उनका ध्यान करते थे। तो इस तरह का बदलाव उसमें देखने को मिलता है, और इसी समय बोधिसत्व का भी उदय होता है। बोधिसत्व ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अकेले रहना पसंद करते हैं, और वह कठिन परिश्रम के द्वारा या फिर कठिन योग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो शिक्षा है वह सामान्य तौर पर अलग रहते हैं ऐसे बोधिसत्व जो होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि इस समय वह काल था जब केवल गौतम बुद्ध की ही पूजा लोग न करके बोधिसत्वों की भी पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे। यानी कि ऐसे ऋषि मुनि आप कह सकते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, उनकी भी पूजा इस समय प्रारंभ हो चुकी थी। उनके भी अनुयायी बहुत अधिक थे, और ऐसे अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी, जैसा कि आप कोरिया हो गया, फिर जापान हो गया, ऐसे देशों तक यह बोधिसत्व का जो अपना एक जो प्रभुत्व था वह बढ़ता चला गया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का इस समय काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, काफ़ी उसका डेवलप हुआ। और इसमें जो सबसे खास बात हमारा यह है कि जो तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा थी बौद्ध धर्म से संबंधित, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और ख़ास तौर पे इस समय के जो इतिहास हमारा है, हमारे पास जो भी इतिहास है इस समय का, वह इन्हीं तीर्थयात्रियों के लेखनी से हमें पता चलता है कि जो तीर्थयात्री भारत में आए थे वह किस प्रकार से बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। तो इससे काफ़ी हमें आसानी होती है इस समय के इतिहास को जानने में। सामान्य तौर पे जो तीर्थयात्री होते हैं, आप लोग को पता है कि यह किसी मकसद से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, सामान्य तौर पे अपने धर्म की चीज़ों को ढूंढने के लिए, उनका पूजा या फिर उनकी उपासना करने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो इन्हीं तीर्थयात्रियों में, और ये सब जो तीर्थयात्री थे पुराने ज़माने के, ये मुख्य रूप से जो व्यापारी होते थे ये उन्हीं के काफिलों के साथ होकर चले जाते थे, चाहे वह समुद्र के माध्यम से हो चाहे रोड के माध्यम से हो, उन्हीं के काफिलों के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि व्यापारी हमेशा एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। तो ये जो तीर्थयात्री होते थे वो भी अपनी एक जिज्ञासा लेकर अपने धर्म से संबंधित जानकारियों को और अधिक इकट्ठा करने और अधिक जानने के लिए उनके साथ ही हो लिया करते थे। तो जो तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा थी वो कहीं ना कहीं हमें इतिहास जानने में और अधिक मदद करती है। जैसे कि ये तीन जो थे वो चीन के काफ़ी फेमस तीर्थयात्री थे जो बौद्ध धर्म की खोज में भारत आए थे। इसमें मुख्य रूप से फाहियान हो गए, ह्वेन त्सांग हो गए और इत्सिंग हो गए। ये तीनों के तीनों चीनी
तीर्थयात्री थे जो कि भारत आए थे। फाहियान लगभग आज से 1600 साल पहले भारत आया था और ह्वेनसांग लगभग 1400 साल पहले आज से आया था, और ह्वेनसांग के 50 साल बाद इत्सिंग भी भारत आया। इन्होंने बहुत सारे, ये इनका जो मुख्य उद्देश्य था भारत आने का, वह मुख्य रूप से इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह जो गौतम बुद्ध से संबंधित जो तथ्य यहाँ पे मौजूद थे, जो भी पांडुलिपि में जो भी चीज़ें मौजूद थीं या फिर उनसे संबंधित जो भी चिन्ह मौजूद थे वो अपने साथ ले जाना चाहते थे और बौद्ध धर्म को और अधिक समझना चाहते थे और अधिक सीखना चाहते थे, उसके क्रियाकलापों को और अधिक सीखना चाहते थे, इसलिए भारत आए थे। क्योंकि जो जन्म था बौद्ध धर्म का वो भारत में ही हुआ था, जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो भी, उनकी जो कर्मभूमि रही है वो भी भारत ही रही थी, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फाहियान है, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये सभी भारत आए थे इतिहास में, और इन्होंने जो भी जिक्र किया है उस समय के राजा के बारे में या फिर उस समय के समाज के बारे में या फिर धर्मों के बारे में, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इतिहास जानने की दृष्टि से। इनका जो यहाँ से जाने का जो सिलसिला था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था, क्योंकि फाहियान थे जो 1600 साल पहले भारत आए थे, ये अपने साथ बहुत सारे प्रतीक चिन्ह, बहुत सारी पांडुलिपियाँ साथ में लेकर जा रहे थे, बहुत सारे बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ इनके पास मौजूद थीं, और बौद्ध धर्म से संबंधित ऐसी बहुत सारी चीज़ें, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे जो बचे हुए पदार्थ हैं उनके शरीर के, ये सब अपने साथ लेकर गए थे यहाँ से। तो सामान्य तौर पे कहा जाता है कि जब फाहियान का जब सफ़र यहाँ से प्रारंभ हुआ चीन की तरफ, तो ये बंगाल की खाड़ी से ये इन्होंने पकड़ा, इन्होंने यात्रियों के साथ, यात्री नहीं मतलब जो व्यापारी थे उनके नावों पे बैठा और वहाँ से चीन के लिए निकले ही थे कि दो दिन के सफ़र के बाद काफ़ी तेज़ तूफान उठता है वहाँ समुद्र में, और चूँकि तूफान बहुत अधिक था इसलिए नाव को डूबने से बचाने के लिए जो विभिन्न व्यापारी थे उन्होंने नाव को हल्का रखने के लिए अपने सामान को फेंक दिया, और ये देखते हुए फाहियान ने भी इनसे संबंधित जो इनका जो व्यक्तिगत चीज़ें थीं, जो भी सामान थे, इन्होंने उठाकर नाव से फेंक दिया ताकि नाव हल्का हो सके, लेकिन किसी भी तरह से इन्होंने वह सभी चिन्ह, प्रतीक चिन्ह या फिर पांडुलिपि या फिर जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीज़ें थीं इन्होंने अपने नाव पर ही रखी, लेकिन अपना सामान इन्होंने वहाँ से फेंक दिया। फिर 13 दिन बाद किसी प्रकार से मतलब मौसम शांत होता है, फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे और अपने देश की तरफ ये वापस चले जाते हैं। फाहियान समुद्र के बारे में लिखता है कि समुद्र मतलब ऐसा है जिसका कोई अंत ही नहीं दिखाई देता है, और ये बताते हैं क्योंकि कोई डिवाइस मौजूद नहीं था उस समय, तो ये बताते हैं कि यदि रात्रि में तारे या फिर दिन में सूर्य या फिर जो आकाश में जो चंद्रमा है वो ना दिखाई दे या फिर मौसम साफ ना हो, तो जो व्यापारीगण होते थे वो मुख्य रूप से जो नाविक होते थे वह प्रकृति पर निर्भर हो जाते थे, यानी कि जिस तरह से हवा बहती थी बस उसी पे वो डिपेंड हो जाते थे, और वो क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रात में समुद्र इतना मतलब गहरा है और इतना मतलब उसका विस्तार है कि आपको कोई चिन्ह दिखाई ही नहीं देगा, हर तरफ बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा, तो बिना किसी आकाशीय चिन्ह के आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा ही नहीं पाएंगे। तो जो नाविक होते थे वह लहरों के माध्यम से ही खुद को छोड़ देते थे, उन्हीं के ऊपर समर्पित कर देते थे, और उन्हें जहाँ जाना होता था वह नाव लेके जाती थी, फिर जब कोई प्रतीक चिन्ह मिलता था आकाश में तब फिर वह फिर अपना आगे बढ़ने का काम करते थे। इसी तरह से ह्वेनसांग की भी जो कहानी है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ह्वेनसांग जो है वह भारत जो आया था लगभग 1400 साल पहले, ये बताता है जो नालंदा विश्वविद्यालय थी इसके समय में काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय थी, जो कि आप कह सकते हैं कि प्रकार से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वो इसके बारे में बताता है कि नालंदा में उस समय विश्व के सबसे शानदार और सबसे बुद्धिमान टीचर वहाँ पर पढ़ाया करते थे, और सबसे बड़ी बात ये बताता है कि ह्वेनसांग बताता है कि वहाँ पर प्रवेश पाना ही एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था। वहाँ पे विभिन्न विदेशी छात्र या फिर दूर दूर से विभिन्न प्रकार के विद्वान आते थे, वाद विवाद होते थे, अपनी समस्याओं को वहाँ पर लेकर जाते थे, लेकिन वहाँ प्रवेश पाना ही सबसे बड़ी मुश्किल काम होता था। ये जो ह्वेनसांग है वो बताता है कि सबसे पहले आप लोग जब वहाँ पे जाते नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाते तो प्रवेश द्वार पर ही जो द्वारपाल होता था वो आपको रोक लेता था और उसके कठिन प्रश्नों का जवाब आपको देना होता था, और जब यदि आप जवाब देने में सफल हो पाते थे तभी आप उसके अंदर जा पाते थे, तो इतना कठिन था उसमें प्रवेश पाना। और ये बताता है कि लगभग यदि दस लोग जाते थे तो उसमें से केवल 7 और 8
लोग ऐसे होते थे जो जवाब नहीं दे पाते थे, केवल दो या तीन लोग ही ऐसे होते थे जो 10 लोगों में से जा पाते थे, अंदर एंट्री मिल पाती थी। तो ये उसके बारे में बताता है कि कितना महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था वह हमारा, जो बाद में जला दिया गया, जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने उसे जला दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें उसी के साथ हमारे, मतलब एक कहा जा सकता है था कि वहाँ पे एक आपको ऐसा स्रोत प्राप्त हो सकता था इतिहास का, जो कि सब कुछ उजागर कर देता भारत के संदर्भ में कि भारत कितना आगे था, यहाँ की तकनीकी कितनी आगे थी, यहाँ के वास्तविक इतिहास क्या थी, सब कुछ जानकारी मिल सकती थी। लेकिन जो आक्रमणकारी थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ह्यूयेन त्सांग की भी अपनी एक कहानी है। लगभग 20 घोड़ों पर लगभग 600 पांडुलिपियों को लेकर जा रहा था जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, और साथ में ही सोने चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी हुई गौतम बुद्ध की मूर्तियां, फिर उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के चिन्ह अपने साथ लेकर जा रहा था 20 घोड़ों पर लाद कर। लेकिन जब ये पार करता है नाव के माध्यम से सिंधु नदी को, तो वहाँ पर उसका बहाव बहुत तेज़ था और उसकी नाव पलट जाती है, जिससे कि कई सारी चीज़ें डूब जाती हैं, और साथ में इसकी जो 600 में से 500 जो लिपियां थीं, जो 50 लिपियां थीं, 500 नहीं 50 लिपियां उसमें थीं, जो पांडु लिपियां थीं वो भी डूब जाती हैं। लेकिन ये किसी तरह से लगभग जो कुछ चीज़ें जो बचा के ले जाता है, जो पांडुलिपियाँ बचा कर ले जाता है, इसका जो पूरा जीवन होता है त्सांग का, वह चीन में जाकर वह उसका संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से मतलब चीनी में अनुवाद करते ही बीतता है। और आप लोग को पता होगा कि ये जो पांडुलिपि है उसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि पांडुलिपि किसे कहा जाता है। पांडुलिपि मुख्य रूप से ऐसे पुस्तकों को या फिर ऐसे लेखन विधि को कहा जाता है जो हाथों के द्वारा लिखी जाती थी प्राचीन समय में। अब चूंकि प्राचीन समय में छापा खाना नहीं था जिससे कि पुस्तक छापा जा सकता था, तो जो भी पुस्तकें हमें मिलती हैं प्राचीन समय में वह सब हस्तलिखित ही होती हैं, वह सब मैन्यूस्क्रिप्टेड ही होती हैं। जबकि इसका जो नाम होता है पांडुलिपि का, जो इंग्लिश नाम है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट ही उसको कहा जाता है, तो वो हाथों द्वारा लिखी जाती थी, इसलिए उसे पांडुलिपि हम कहते हैं। तो ये अपने साथ बहुत सारा ले गया था। तो इन चीनी यात्रियों के माध्यम से, इन चीनी तीर्थयात्रियों के माध्यम से ही हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और फिर ये केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का ही समय नहीं था, यह भक्ति की भी शुरुआत हो चुकी थी। भक्ति का जो मुख्य रूप से संदर्भ यहाँ पे है वह हिंदू धर्म से आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो परिवर्तन आने थे वह प्रारंभ हो चुके थे। चूँकि आप देखेंगे कि एक प्रतिक्रिया के रूप में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का निर्माण किया था, क्योंकि जो हिंदू धर्म आप या फिर सनातन धर्म आप कह सकते हैं, या फिर आप सामान्य तौर पे जो वैदिक धर्म से जुड़े हुए जो क्रियाकलाप थे उसके बारे में आप जानते हैं कि वह कितना अधिक जटिल और खर्चीला हो गई थी। और कई बार ऐसी भी चीज़ें आती हैं सामने में कि लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसी बातें करते थे कि आप लोगों को यदि परलोक में यहाँ पे मतलब किस प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और कौन सा रास्ता आप लोगों को अपनाना चाहिए। तो जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो रास्ता था वो काफ़ी कठिन था, वह सबके लिए, सामान्य लोगों के लिए ऐसे ही रिचुअल्स करा पाना या फिर ऐसे करा पाना काफ़ी मुश्किल था। तो उसी की प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म का जन्म होता है। लेकिन आप देखें कि हिंदू धर्म भी जो जीवित है इस समय वह इस भक्ति की शुरुआत के साथ ही जीवित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भक्ति की प्रारंभ हुई थी, जो भक्ति की शुरुआत हुई थी, वह कहीं ना कहीं चीज़ों को आसान बनाने का काम की थी। पहले देखिए मूर्ति पूजा नहीं होता था, जो वैदिक आप प्राचीन वैदिक काल में जाएंगे तो वहाँ पे मूर्ति पूजा जैसी चीज़ें नहीं थी, वहाँ मुख्य रूप से रिचुअल्स ही होते थे विभिन्न विधियों द्वारा। वहाँ पर जो हवन कुंड होते थे उसके माध्यम से ही वहाँ पे पूजा पाठ हुआ करता था और ईश्वर की लोग उपासना किया करते थे, जो काफ़ी कठिन विधि मानी जाती थी। लेकिन जब भक्ति की शुरुआत होती है तो आप देखेंगे नए नए देवताओं का यहाँ पे आविष्कार होता है, नए नए देवताएं हमारे सामने आते हैं, जिसमें से कि मुख्य रूप से जो शंकर हो गए या फिर दुर्गा हो गए, दुर्गा जी हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे देवताओं का यहाँ पे निर्माण होता है। और भक्ति का जो अपना एक सिद्धांत था वो ये था कि आप बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी व्यक्ति की सहायता के, बिना किसी ब्राह्मण की सहायता से भी यदि आप किसी देवता को सच्चे मन से मानते हैं, उसका आप एक तरह से कहा जा सकता है कि यदि आप उसके प्रति निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो जिस रूप में आप उसे स्वीकार करेंगे या फिर जिस रूप में आप उसे पूजा करते हैं उसी रूप में वो आपको दर्शन देगा। तो लोगों की यहाँ पे जो सोच थी अपने ईश्वरों को लेकर, वो मुख्य रूप से उन ईश्वरों की जो एक छवि थी
वो आपको विभिन्न प्रकार के जो मंदिर हैं इस समय के, उसमें आपको देखने को मिलेगी कि एक छवि प्रस्तुत होती है देवताओं की, और मुख्य रूप से जो इंसानों के रूप में देवताओं को लोगों ने स्वीकार किया था, उसी की छवि, उन्हीं की मूर्तियां बनाई जानी प्रारंभ हो गई थी। आप इससे पहले जब आप जाएंगे महाजनपदों के समय से पहले, पाषाण काल या फिर उससे बाद के जो समय में जाएंगे, उस समय मूर्ति पूजा जैसी चीज़ें नहीं मौजूद थीं। और सामान्य तौर पे कहा जा सकता है कि जो ये मूर्तियों का जो यहाँ पे बनाया जाना प्रारंभ हुआ, वह इसी समय भक्ति की शुरुआत के साथ ही प्रारंभ हुआ। नए नए मूर्तियाँ बनाई गई, नए नए ईश्वर का यहाँ पे जन्म हुआ, नई नई खूबसूरत चीज़ें बनाई जानी प्रारंभ हो गई थी। तो ये था, हमारी भक्ति की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा, और यदि यह समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। हाँ दोस्तों, हम समसामयिक की घटनाओं को भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम प्रत्येक दिन के उन महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।